अगर आप अपनी चमचमाती मिर्च की फसल को देखकर खुश हो रहे हो तो बढ़िया है, पर नजर हटी और दुर्घटना घटी। भाई मिर्च में पत्तों के ठीक होने से खेल बन जाता है और कई बार बिगड़ भी जाता है। अगर कहीं पत्ते जरा भी मुड़े या छोटे होते दिखें तो छोड़ना मत। ये कोई नई डिजाइन नहीं है, ये खतरनाक बीमारी है। बीमारी ऐसी कि खूबसूरत पौधे के खूबसूरत फल भी बदसूरत दिखने लगते हैं। जानते हो बीमारी का नाम क्या है? पर्ण कुंचन, मतलब पत्तियों का मुड़ना। इसके कारण पत्तियां छोटी होकर मुड़ जाती हैं, शिराएं मोटी हो जाती हैं, जिससे पत्तियां मोटी दिखती हैं, पौधों की बढ़वार रुक जाती है, पौधे झाड़ी नुमा दिखने लगते हैं, पौधे पर फल लगना कम हो जाते हैं, फल लगते भी हैं तो बदसूरत से। ये एक वायरस है जो चूसने वाले कीड़ों से एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता है। यदि सफेद मक्खी एक बार बीमार पौधे से रस चूस लेती है तो वो पूरे जीवन काल बीमारी फैलाने का काम कर सकती है। अब भाई कैसे बचें इससे? तो सुनो, इमिडाक्लोप्रिड 70% WS की 10 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज के अनुपात से बीजोपचार करें। नर्सरी में पौधों को 40 मैश वाली जाली से ढकें और बीमार पौधों को समय समय पर हटाते रहें। पौध को नर्सरी से उखाड़ कर उनकी जड़ों को इमिडाक्लोप्रिड 70.8 SL की 7 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसमें 20 मिनट तक डुबो कर रखें। स्वस्थ पौधों की ही रोपाई करें। प्रति एकड़ 5 पीले चिपचिपे ट्रैप लगाएं। अब देखो कहां बच के जाते हैं। रासायनिक तरीका भी है। बीमारी से बचना है तो इन रस चूसक कीड़ों को जड़ से खत्म करना ही आधी जंग जीतने जैसा है। इनके प्रभावी नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल 5% SC 1.5 मिलीलीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL की 0.3 मिलीलीटर या थायोमेथोक्साम की 0.3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें।